सवेरा असल में जब जागो तभी होता है। दिखती है नई राहें, मिटते हैं मनों के अंधेरे, छट जाते वहमों के जाले। घर मानो तो ही बसेरा होता है। सवेरा असल में जब जागो तभी होता है। मेरा नाम अनीता है। मैं अपने दिन की शुरुआत घर के काम का, झाड़ू पोछे, घर के खाना बनाना, नाश्ता बनाने से करती हूँ। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी। मेरे घर वाले सभी चाहते थे कि मैं जल्दी माँ बन जाऊँ, और मैं आसपास भी देखती थी कि औरतें के तीन तीन चार चार बच्चे होने के कारण और जल्दी माँ बनने के कारण क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और यही चिंता मुझे दिन पर दिन खाए जा रही थी। फिर एक दिन आशा दीदी आई और एक मैडम आई, जिन्होंने मुझे परिवार नियोजन के बारे में, उनके उपायों के बारे में मुझे बताया। उन साधनों के बारे में समझने के बाद, सोचने के बाद, फिर मैंने उसमें से एक साधन चुना और अपनाया। अपनाने के बाद मैं इतनी खुश हूँ कि मैं हर काम खुशी खुशी कर पाती हूँ, और मेरे घर वाले भी मेरे से बहुत खुश रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर महिला ये साधन अपनाए। उसी की वजह से मैं आज खुश हूँ, और मेरा एक स्वस्थ बच्चा है, और उसकी अच्छे से देखभाल और परवरिश मैं आज कर पा रही हूँ। यहाँ की महिलाएं समाज और शर्म के कारण अपनी समस्याओं को अच्छे से नहीं बता पा रही थी, जिसके कारण अनचाहे गर्भ की समस्या बहुत बढ़ती जा रही थी। फिर साधन प्रोग्राम से एक मैडम आई, उन्होंने मुझे सिखाया कि महिलाओं को भरोसे में लेकर कैसे बातचीत की जाए और समस्या का हल कैसे निकाला जाए। उनकी पर्सनल ट्रेनिंग से मुझे काफ़ी मदद मिली, और पिछले 2 सालों से मैं पहले से ज़्यादा और बेहतर तरीके से महिलाओं की मदद कर पा रही हूँ। आशा दीदी की वजह से यहाँ पे काफ़ी औरतों की ज़िंदगी बदल रही है, और वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जी पा रही हैं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला फैसला था जो मैंने खुद से खुद के लिए लिया। अब मैं भी बाहर जाकर अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सकती हूँ।